बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 4, काउंट ऑन मैथ्स। द टॉपिक इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पेज नंबर 34। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 12, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के बेटे कौन कौन से फैक्टर। अब जिन जिन नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है, सबसे पहला नंबर कौन सा बेटे, 1। फिर कौन सा हो सकता है बेटे, 2, जिससे 12 डिवाइड हो सकता है। 3 से डिविजिबल है, यस 3। 4 3 इज़ 12, 4। देन इज 6, देन इज 12। ये बेटे फैक्टर्स हैं 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 18, ये देखें फैक्टर्स ऑफ 18 के कौन कौन से फैक्टर हैं। 18 किस किस नंबर पर डिवाइड होता है, 1 2 3 से होता है, 3 6 are 18, यस। 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 6 से यस होता है, 6 3 are 18। जब यूँ हो जाए ना, 3 6 are 18, फिर नीचे नंबर 2 कितने का 18 था, 2 9 are 18। फिर 1 से होगा, 1 18 is 18। तो ये नंबर हैं जिनसे 18 डिविजिबल है। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स। 1 कॉमन है बेटे, ये देखें दोनों जुगों पर है। 2 कॉमन है दोनों जुगों पर है। 3 कॉमन है दोनों जुगों पर है। 6 कॉमन है बेटे दोनों जुगों पर है, ये देखें ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब अगर ये कहा जाए कि इनमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है 6। तो अब इसमें हमने मतलब हाई सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। इस तरीके से आपने ये यहाँ पर फैक्टर्स 36 और 45, 36 के जो फैक्टर्स हैं, 36 किससे बेटे, 1 नहीं लिखा उनने, प्राइम फैक्टर्स लिखा है, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। 2 से बेटे, 2 से डिविजिबल है, ये उसके फैक्टर्स अगर यूँ फाइंड आउट करें, प्राइम फैक्टर्स उसके, कि 36 किस तरीके से वो होता है, ये देखें 36 अगर ये फैक्टराइजेशन इसकी फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से बेटे, 2 1 इज़ 2, 1 इधर चला गया, 16, 2 8 इज़ 16, 2 9 इज़ 18, 3 3 इज़ 9, 3 1 इज़ 3। तो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये देखें ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसके कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 है। इस तरह फैक्टर्स ऑफ 45 को ये देखें यूँ करके, 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 से है बेटे, 3 1 इज़ 3, बाकी 1 बचा 15, 3 5 इज़ 15, अगेन 3 से बेटे, 3 5 इज़ 15, 5 1 इज़ 5। तो ये क्या हो गया फिर, तो इसके कौन से हुए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये देखें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनमें से जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, एक तो बेटे 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर दूसरा पेयर भी बनता है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये देखें फैक्टर्स ऑफ, अगर हम यूँ लिख लें फैक्टर्स ऑफ 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और फैक्टर्स ऑफ 45, ये क्या होगा बेटे, 45 क्या थे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। कॉमन कौन से हुए, एक 3 ये होगी बेटे, एक 3 ये कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 इज़ 9, तो 9 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स 3 3 हैं, 9 जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
अब इस पेज पर आए बेटे, ये उन्होंने वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 जो है ना उनको एक सर्कल में लिखा है 2, 2, 3, 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 3, 3, 5। तो जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये 3, 3 और ये 3 और 3 आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब देखें इसमें वेन डायग्राम में ये जो बना हो, ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें ये 3 और 3 इस सर्कल के भी हिस्सा हैं, ये 3 और 3 इस सर्कल का भी हिस्सा है, इसलिए इसको एक दफ़ा लिख दिया। तो ये कॉमन थे दोनों, इसमें भी थे इसमें भी थे, इसलिए इनको एक दफ़ा लिख दिया 3 और 3। कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए बेटे? 3 एंड 3। तो 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 9। सच डायग्राम्स एज शोन अबव आर कॉल्ड वेन डायग्राम। ऐसे डायग्राम्स को हम क्या कहते हैं बेटे? वेन डायग्राम्स कहते हैं। अब 24 और 18 के उन्होंने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर ढूंढने, 24 के किन किन से डिविजिबल हैं, खाली फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 इन नंबर से ये डिविजिबल है। 1 से भी डिविजिबल है वो हर नंबर होता है, 2 से डिविजिबल है 2, 12, 24, 3 से है बेटे 3, 8, 24, 4 से 4, 6, 24, 4 फिर 6 से 6, 4, 24, फिर 8, 3, 24, फिर 2 से 2, 12, 24, 1, 24, 24। इस तरह 18 के भी आपने 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये फाइंड आउट करने हैं। अब इनमें से कॉमन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो कौन कौन से कॉमन है बेटे? 1, 2, 3 और 6। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो क्या है बेटे? इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन है? वो 6 है। तो 6 जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF कहते हैं। अब 3 नंबर्स अगर आ जाएं, इस तरह यहाँ पर है 16, 32 और 40, इनके फैक्टर 16 के फैक्टर फाइंड आउट कर लें, 32 के फैक्टर फाइंड आउट कर लें, 40 के फैक्टर फाइंड आउट कर लें। इनमें कॉमन जो है वो तीनों में कॉमन वो फाइंड आउट करने हैं इस तरीके से। अब तीनों में जो कॉमन है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 8। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। आगे एग्जांपल्स कुछ और भी हैं। प्राइम फैक्टर्स से दिया गया यहाँ पर फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, वो जो था खाली फैक्टराइजेशन मेथड था। अब 12 और 21, 12 के फैक्टर इस तरह आपने अलहदा से ढूंढ लेने हैं, 21 के आपने अलहदा से। ये देखिए मैं एक दो बार फिर से करवा रहा हूँ 12 के फैक्टर्स। ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स ऑफ 12, देखें 12 यहाँ लिखकर उसको फैक्टराइज करना है यूं। सबसे पहले ये 2 से 2, 6 और 12, अगेन 2 से 2, 3 और 6, अब लास्ट 3 है 3, 1 और 3। तो अब फैक्टर्स ऑफ 12 और 21, ये देखिए 21 का फैक्टर्स, ये 21 यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से नहीं होता, ये 3 से होता, 3, 7 और 21, नाउ 7, 1 और 7। अब यहाँ जब अलहदा से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ या प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई विद 7। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं बेटे? ये देखिए इनमें से कॉमन 2 तो है नहीं, इसमें 3 कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स थ्री और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा एक ही है, क्योंकि कॉमन में 3 है तो वो 3 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हुआ। HCF क्या हुआ इसका? 3। तो ये 3 है। इस तरीके से आगे 52, 78 एंड 130। पहले 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2, 26 और 52, 2, 13 और 26, 13, 1 और 13। फिर नेक्स्ट 78 का करें, 2, 3 और 13, फिर 2, 5 और 13 से 130 की फैक्टराइजेशन है। ये देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। इस तरीके से अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए इन दोनों, इन तीनों में? तीनों में जो कॉमन है, देखें 2 तीनों जगहों पर कॉमन है और 13 भी तीनों जगहों पर कॉमन है, और कोई नंबर तीनों जगहों पर कॉमन नहीं है। तो 2 और 13, तो 2 मल्टीप्लाई 13, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 2 मल्टीप्लाई 13 कितना हुआ? 26। तो HCF क्या आ गया बेटे इसका? 26। लास्ट एग्जांपल है बेटे,
12 feet long and 8 feet wide room's floor is to be covered with tiles. उस टाइल्स से कवर है, 12 feet long है और 8 feet wide है, एक फर्श है बेटे कमरे का, कितनी लेंथ है उसकी 12 feet और विड्थ कितनी है उसकी 8 feet. अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो कितने एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 4. अच्छा, बाय फाइंडिंग देयर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज़ ऑफ द टाइल टू बी यूज्ड, कितने साइज़ की टाइल जो है मैक्सिमम साइज़ की टाइल यूज हो, तो इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. ये इस तरीके से बेटे, तो 2 कॉमन फैक्टर 2 और 2 हो गए, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ बेटे, 4. तो 4 जो है वो टाइल का साइज़ होना चाहिए. तो एग्जाम्पल्स आपने ये सारी की सारी सॉल्व करनी है. आगे इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल मैं करा दूंगा, इसको आपने प्रॉपरली नोटबुक पर सॉल्व करना है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.